नमस्कार, कविता इजहरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हमेशा की तरह हार्दिक अभिनंदन है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर CBSE द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में अति आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, जो छात्रों व उनके अभिभावकों हेतु बहुत राहत देने वाली खबर है। तो चलिए इनसाइड स्टोरी की पड़ताल करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई दिल्ली CBSE लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट 2020। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर के सभी स्कूल मार्च के महीने से बंद है। स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान के मद्देनजर छात्रों के दबाव को कम करने के लिए CBSE अकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए स्कूल के सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इस बात की जानकारी दी है। HRD मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, देश और दुनिया में पनपे हालातों के मद्देनजर CBSE को पाठ्यक्रम को संशोधित करने और कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्ष के छात्रों के लिए कोर्स के दबाव को कम करने की सलाह दी गई थी। और जैसा कि आप उनका ट्वीट देख सकते हैं, कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रैशनलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर कंसेप्ट। और आज ही की डेट है और आज ही का 4:43 PM का टाइम है। HRD मंत्री ने आगे कहा कि सीखने की उपलब्धि के महत्व को ध्यान में रखकर मुख्य कंसेप्ट्स को बरकरार रखते हुए सिलेबस को 30% तक कम करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने COVID-19 से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी क्लासेस के लिए सिलेबस कम करने की सलाह दी थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मीटिंग के दौरान उन्होंने सिलेबस 30-50% सिलेबस कम करने पर भी बात की थी। बोर्ड ने कहा कि कोरोना ने स्कूली शिक्षा को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हैं। हालांकि स्कूल ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्रों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो ही रहा है। इसलिए CISE बोर्ड ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नए सिलेबस की जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है। बोर्ड ने स्कूलों को कहा है कि इसी सिलेबस के हिसाब से छात्रों को पढ़ाया जाए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपना विचार, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन, ओके, बाय।